खबर दौसा जिले से, जहां पर ग्रामीणों ने मार्केट बंद करके धरना प्रदर्शन किया है। स्थानांतरण निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन दिया। तो वहीं राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक रामगढ़ पचौरा का किया जा रहा धरना प्रदर्शन। वहीं शाखा प्रबंधक अंकित कुमार गुप्ता का तबादला निरस्त करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक दौसा से सीनियर ऑफिसर हरकेश मीणा पहुंचे हैं रामगढ़ पचौरा। ग्रामीणों को सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं समझाइश। तो वहीं मगर ग्रामीण शाखा प्रबंधक का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। शाखा प्रबंधन का स्थानांतरण किए जाने से आम जनता में रोष भी व्याप्त है। तो वहीं ग्रामीणों की माने तो शाखा प्रबंधक के द्वारा दी जा रही है अच्छी सेवाएं। शाखा प्रबंधक का स्थानांतरण निरस्त नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने चेतावनी भी दे दी है। स्थानांतरण रद्द नहीं होने तक चलता रहेगा धरना प्रदर्शन। ट्रांसफर ये अपनी स्वेच्छा से ट्रांसफर इन्होंने करवाया और उसी आधार पर स्वेच्छा से ट्रांसफर किया है। इसमें कोई बैंक का रोल नहीं है। अगर बैंक चाहिए तो मैं अभी बात करते हैं। आप ट्रांसफर निरस्त हो जाएगा? नहीं, ये तो अपने मैनेजमेंट की डिसाइड करते हैं। नहीं, पहले रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, फिर बाद में होगा जो निर्णय होगा। जो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक पहला जो शाखा प्रबंधक है हमारे गुप्ता जी आरएमजी ग्रामीण बैंक में, जो पहली बार ऐसी सेवा दी है कि जिससे कि पूरी जनता इतनी संतुष्ट है कि आज तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी आया है उससे इतनी संतुष्ट नहीं, इससे इतनी संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका बहुत कम समय में इनका ट्रांसफर हो गया, 3-4 महीने में इनका ट्रांसफर हो गया। बल्कि बैंक जो सर्कुलर जो नहीं है मैं उसके अनुसार 3 साल में इनका ट्रांसफर तबादला होना चाहिए था। बल्कि किसी दबाव में कैसे भी करकरा के अधिकारियों ने इनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया। तो हमारी जनता की यह मांग है कि इनका ट्रांसफर रद्द करो, नहीं तो हमारे पूरे खाते बंद करो। ये जितने भी करंट अकाउंट है, जो भी ग्राम पंचायत के जितने भी खाते हैं, सब बंद किया जाएगा। और जब तक इनको वापस इनका ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक ये जनता यहाँ डटी रहेगी, चाहे उसके लिए 2-3 दिन कितने भी धरना देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इनको जो शाखा प्रबंधक है हमारे आरएमजी ग्रामीण बैंक को, इनको तुरंत यहाँ लगाया जाए।